So as we all know, our government has banned TikTok and other Chinese applications. And I'd just like to say that I totally support this ban and I will boycott it. I support it and my whole family supports it. And I think every citizen should support this ban without any doubts, because there is nothing more important than our country, our people, our soldiers, our military. In fact, आगे भी जो भी guidelines, rules और regulations आएंगे government की तरफ से, उनको भी इसी तरह से support किया जाएगा, with all due respect. हेलो एवरीवन, मैं हूँ अशनूर कौर. एंड ये जो डिजिटल स्ट्राइक हुई है, अभी जो डिसीजन लिया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सारे चाइनीज ऐप्स को बैन करने का, आई एम रियली हैप्पी विद दिस डिसीजन एंड आई एम टोटली इन सपोर्ट ऑफ इट. क्योंकि ये जो सारे ऐप्स एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गए थे हम सभी की लाइफ का, स्पेशली यूथ की लाइफ का. एंड यू नो, दिस वॉज लाइक अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर देम. सो जो एक मेजर डिस्ट्रैक्शन था हम सभी की लाइफ में, वो अभी हट गया है. सो वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर प्रोडक्टिव थिंग्स. हम इंडियन ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, उनको एक जरिया बना सकते हैं हमारी एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे हम बाकी सारे चाइनीज ऐप्स यूज़ करते थे. सो येस, आई एम रियली हैप्पी एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट दिस डिसीजन वॉज वेरी क्रूशल, जो हमारा एक गोल है आत्मनिर्भर भारत का, उसे अचीव करने के लिए, ताकि अभी हम इंडियन ऐप्स यूज़ कर सकें एंड प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकें. ऑल्सो येस, एज एक्टर्स योर फैंस एक्सपेक्ट यू टू बी एक्टिव ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स. तो कभी कभार मैं भी टिकटॉक्स बनाती थी फन के लिए, लेकिन जब से इंडिया चाइना का हुआ है तब से आई हैव बीन अवॉइडिंग इट. एंड नाउ दैट दिस डिसीजन हैज बीन टेकन, आई एम टोटली गोना ओब्लाइज टू इट, टोटली गोना फॉलो इट. एंड आई वॉन्ट एनकरेज ऑल ऑफ यू एज वेल टू प्लीज फॉलो इट. एंड रियली प्राउड टू बी एन इंडियन सिटीजन. योर कंट्री कम्स फर्स्ट, इंडिया कम्स फर्स्ट. And really proud of this decision taken by the government. Jai. I stand by my country. और ये जो इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है, चाइना इंडिया को अटैक कर रहा है और इंडिया में चाइना के इतने एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स हैं, तो हम लोग एक जन नहीं यूज करेगा. लाइक बीच में ऐसा होता है, लाइक पीपल वो बॉयकॉटिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स और नहीं यूज करे, तो एक दो जन करने से फर्क पड़ता है. बट ये सब चीजों को जड़ से निकालना बहुत जरूरी था और ये हमारे गवर्नमेंट के हाथ में था, तो हमारे गवर्नमेंट ने इसको बैन करके बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है एंड आई टोटली स्टैंड बाय इट. और दूसरी बात, चाइना ऐसे नहीं कर सकता ना कि हमारे ही कंट्री को अटैक कर रहा है और हमारे कंट्री से ही पैसे कमाना चाहता है. बिकॉज जैसे आप सबको पता है, आफ्टर चाइना इंडिया की पॉपुलेशन उसके बाद आती है, तो इंडिया से बहुत ज्यादा प्रॉफिट है चाइना को, और जो चाइना ने किया दे हैव टू pay for this. So we are very happy and we all should stand by our country. Thank you.